राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक ओएफएस के अंदर नॉन रिटेल का पोर्शन तो ओवर हो चुका है, अब बारी है रिटेल वालों की। 19 अगस्त मंडे को रिटेल के अंदर अप्लाई चालू हो जाएगा, तो आप लोगों की क्वेरी चल रही है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस प्राइस पे अप्लाई करना है नहीं करना, या फिर मार्केट से शेयर बाय कर ले डायरेक्ट मार्केट से, कितना पैसा बन सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको, नॉन रिटेल के अंदर कैसा रहा इसका रिस्पॉन्स, ये सारे क्वेरी जो भी आपके मन में चल रही है ना इस ओएफएस को लेके, वो हम आज वीडियो में वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। मतलब वीडियो का कोई भी पार्ट बिना स्किप के कंप्लीट देखेंगे। आपको इस ओएफएस के बारे में मंडे को क्या करना है क्या नहीं करना, अगर आपने नॉन रिटेल में अप्लाई कर दिया है, आपको शेयर मिल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक का जो ओएफएस था ना, वो 5.14 करोड़ शेयर्स का था बेस जो इशू था। उसके अलावा कंपनी ने मेंशन किया था कि हम 8. समथिंग करोड़ जो है वो शेयर्स और कर देंगे लोट, अगर हमारा पास सब्सक्रिप्शन जो है वो हाई आ गया, तो डिमांड अगर इंक्रीज आ गई ओएफएस के अंदर नॉन रिटेल के अंदर, तो हम उस पोर्शन को भी ऐड कर देंगे। डिमांड हल्की सी तो आई है एक्स्ट्रा, बट ज्यादा नहीं आई है। मुझे ये था कि कंपनी जो है वो पूरा जो उसका बेस इशू है वो भी, और जो उसका ऑफर ओवर वाला भी है वो पार्ट भी पूरा यूज हो जाएगा कंपनी का, बट वैसा नहीं हुआ है। बट डिमांड आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं बात करूं बेस इशू की, तो बेस इशू के अंदर 5.14 करोड़ शेयर्स थे, उनकी वैल्यू देखे इन नंबर ऑफ रुपीज के अंदर बात करें, तो जो फंड उससे मिलेगा ना कंपनी को, वो 2500 करोड़ का फंड हो जाएगा। मतलब बेस इशू जो 2500 करोड़ का था फंड का, वो पूरा पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी ने उसके अंदर 1.21 करोड़ शेयर्स और एड कर दिए हैं, तो टोटल जो है ओएफएस के अंदर अब जो शेयर्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 6.36 करोड़ के आसपास, जिसकी वैल्यू जो है टोटल वो बन जाती है 3100 करोड़ रुपए की। 16 अगस्त को 90% ओएफएस का पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब नॉन रिटेल कैटेगरी के अंदर जिन्होंने 2 लाख से ऊपर अप्लाई करना था वो अप्लाई कर चुके हैं, उनका काम हो चुका है। अब कौन लोग आएंगे जिन्होंने 2 लाख से कम अप्लाई करना है, वो लोग अब अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, कब? मंडे को, मंडे 19 अगस्त को। तो उनके लिए कितने शेयर रिजर्व किए गए हैं, उनके लिए आपके पास इस ओएफएस के अंदर 63,60,000 करीब शेयर रखे गए हैं, जिसके लिए आपको मंडे 19 अगस्त को 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अप्लाई करना होगा। मैक्सिमम ब्रोकर जो है वो ओएफएस के अंदर नॉन रिटेल पोर्शन को लेते ही नहीं है, एक जरूर लेता है और एक शायद आईएफएल कुछ एक है, ये 2-3 ब्रोकर है जो आपके पास 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन ओएफएस में एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी सही ब्रोकर जो है वो 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। तो अगर आपको इन फ्यूचर के अंदर आने वाले टाइम के अंदर कोई और ओएफएस से पार्ट लेना है, बड़ी एप्लीकेशन लगानी हो, तो उसके लिए बेस्ट मैं बोलूंगा आप जोधा का अकाउंट ओपन करके रखिए। कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे हो और अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपका एक अकाउंट जो है वो जोधा के अंदर ओपन होना चाहिए। कुछ काम भले ही मत करो उसके अंदर, बस अकाउंट ओपन करके रख लो ताकि आपको इश्यू ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मुझे कल काफी मैसेज आए थे कि सर अपस्टॉक्स में हमने फंड ऐड कर दिया है, बट वहां पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हमने एंजल वन में फंड ऐड कर दिया है, अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, धन के अंदर अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, काफी सारे मैसेज आए थे। तो इसलिए वो दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े, बेटर क्या है कि जरूरत के अंदर एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। जरूरत में अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, आप जाके आराम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विद इन 1 डे में आपका अकाउंट ओपन भी हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो अब रिटेल कैटेगरी के अंदर आपके पास आपके ब्रोकर्स के अंदर मंडे को ये ऑप्शन खुल जाएगा, आप स्टॉक्स में खुल जाएगा, सब में खुल जाएगा, तो वहां पे आप इसमें ओएफएस में अप्लाई कर सकते हो। अभी तक क्या था, इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस जो था वो था 486 रुपीज का नॉन रिटेल के अंदर, और उनके अंदर जो कट ऑफ प्राइस बन के आया है वो 487 का है। मतलब 487 से ऊपर जिस भी प्राइस पे जिसने भी ओएफएस में अप्लाई किया होगा फ्राइडे 16 अगस्त को, उसको उसी प्राइस पे शेयर मिल जाएंगे। यहां पे आप लोगों की क्वेरी आती है कि सर हमने अप्लाई 495 से किया मान लेते हैं या 500 से किया मान लेते हैं, तो हमें शेयर जो हमें प्राइस अप्लाई किया उस प्राइस से मिलेंगे या फिर हमें जिस प्राइस पे कट ऑफ आया उस मिलेंगे? तो जिस प्राइस पे आपने अप्लाई किया ना आपको उस प्राइस से मिलेंगे। मान लो किसी ने 500 रुपीज में ओएफएस को अप्लाई किया है तो आपको वो 500 रुपए शेयर मिल जाएंगे। अगर आपका कट ऑफ प्राइस से आपका जो प्राइस है वो ऊपर है तो आपको जिस प्राइस पे आपने अप्लाई किया है ना उसी पे शेयर मिलने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया? अब जिनको भी फ्राइडे को शेयर मिले हैं, फ्राइडे को जिन्होंने भी नॉन रिटेल अप्लाई किया है, वो मंडे को उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। ये एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको सुबह ही एनएससी की साइट का लिंक जहां पे आप चेक कर सकते हो कि इंडिकेटिव प्राइस क्या चल रहा है वो शेयर कर दिया था। आई होप काफी लोगों ने उसको यूज भी किया है। वहां पे आपको दिखता रहता है कि हाँ कितनी कितनी बिडिंग लग रही है, क्या प्राइस चल रहा है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। तो एनएससी और बीएससी दोनों पे ऐसा होता है, ठीक है? एनएससी का भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा,
मंडे को सुबह, और बीएससी का भी कर दूंगा। वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोग कितने प्राइस के ऊपर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और क्या उसका कितने टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, क्या उसका इंडिकेटिव प्राइस निकल के आता है। इंडिकेटिव प्राइस एक श्योरिटी नहीं होती है, ये एक रफली एस्टिमेट होता है कि हाँ इस प्राइस के आसपास आप हैं तो आपको मिल जाएगा, वो श्योरिटी नहीं होती है। एक चीज ध्यान रखना कि मोस्टली जो लोग हैं वो लेट 3:15 से 3:30 के बीच में अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आपको ट्रैक करना पड़ता है इंडिकेटिव प्राइस को कि उस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है। स्टार्टिंग के अंदर प्राइस में इतना मूवमेंट नहीं आता है, बट लास्ट टाइम के अंदर उस टाइम बल्क लोग अप्लाई करते हैं, सभी लोग लास्ट में मोस्टली अप्लाई करते हैं, तो इसलिए लास्ट टाइम के अंदर आपको ट्रैक करना पड़ता है कि इंडिकेटिव प्राइस में क्या मूवमेंट आ रही है। सो ये पॉइंट ध्यान रखना, और अप्लाई मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम में किया करो। बस ये ध्यान रखो कि आपके ब्रोकर जो है उनका लास्ट टाइम क्या है। कई कई ब्रोकर के अंदर लास्ट टाइम 2 बजे का अप्लाई करने का, कई कई ब्रोकर में 3 बजे का अप्लाई करने का है, बट Zerodha के अंदर लास्ट टाइम बिल्कुल एंड 3:30 बजे तक अप्लाई करने का है। तो यहां भी Zerodha बेस्ट निकल के आता है। तो उसके अंदर OFS का टाइमिंग जो है वो 3:30 बजे का है लास्ट। आपके ब्रोकर में टाइमिंग क्या है वो थोड़ा चेक कर लेना पहले ही कि वहां पे एंड टाइम क्या लिखा हुआ है, आपको उससे पहले पहले अप्लाई करना होगा, अदरवाइज उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब कुछ कुछ केस लेते हैं कि हमें इसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो देख लेते हैं। उसके बेस पे हमारा डिसीजन बनेगा कि हमें उस दिन क्या करना है। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं, और मैं अगर आपको पता नहीं है OFS में कैसे काम होता है, कैसे बिडिंग लगती है, कैसे सब कुछ ट्रैक करते हैं, क्या इंडिकेटिव प्राइस होता है, अगर आपको OFS के बारे में थोड़ी जानकारी कम है, OFS के बारे में पूरी जानकारी लेनी हो, तो मेरी ये वीडियो देखिए, व्हाट इज OFS लिख के आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखना यार, इसमें मैंने हर एक पॉइंट को हर एक चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर एक छोटा बच्चा भी देखेगा ना इस वीडियो को, वो भी समझ जाएगा कि OFS में होता क्या क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा नहीं है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, आपको OFS के बारे में इसके बाद में कोई भी क्वेरी कोई भी कंफ्यूजन मन में नहीं रहेगा। जो लोग पूछते हैं ना कि इंडिकेटिव प्राइस से कितना ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए, इंडिकेटिव प्राइस होता क्या है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो वो सब बातें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। OFS के बारे में सारे डाउट्स आपकी वीडियो में एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो आप जाके इसको जरूर देखें। तो अब देखिए, कंपनी ने फ्लोर प्राइस फिक्स किया था के सामने 486 रुपीज का, और जो कट ऑफ प्राइस निकल के आया है वो आया है 487 का। मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 487 से ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ये आपका अभी तक दिख रहा है। और जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है वो बंद हुआ है 519 के अंदर। मोस्ट प्रोबली मंडे को शेयर डाउन जाएगा, ये दिख रहा है अभी तक कि शेयर डाउन जाएगा मंडे को। अब मैं कुछ केस लेता हूं, अलग केस कि हमें इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, वो सब केस लेते हैं, फिर हम उस पर स्ट्रेटजी बता लेते हैं। सबसे पहला केस जो मुझे लगता नहीं है होगा, बट अगर होता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्या कि अगर इस शेयर का प्राइस मंडे को 490 से डाउन जाता है, 490 से डाउन जाता है, तो उस केस के अंदर आप OFS से पार्ट ना लेकर डायरेक्ट मार्केट शेयर बाय कर लेना, क्योंकि OFS के अंदर जो प्राइस है वो 487 का चल रहा होगा, उससे ऊपर चलेगा बेसिकली। तो अगर आपको 490 से कम के अंदर शेयर मिलता है मार्केट से, तो आप OFS के अंदर पार्ट ना लेकर मार्केट से डायरेक्ट बाय कर सकते हो, बट इस केस के होने की संभावना बहुत ही कम है। 1% चांस है कि ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं होगा, मुझे लग रहा है शेयर इतना क्रैश नहीं करेगा। करता है तो मार्केट से बाय करना बेटर रहेगा, इसका बेटू OFS से बाय करने से। पहला केस क्लियर हो गया कि अगर प्राइस इतना गिरता है तो क्या करना चाहिए। सेकंड केस क्या है, अगर मैं OFS की बात करूं ना, तो इसका प्राइस अगर आपको 490 से लेके 500 के बीच में मिल जाता है ना अभी रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो काफी अच्छा प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ये शेयर का प्राइस जो है वो 576 से गिरता गिरता कल 519 से बंद हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको 500 के अंदर ये शेयर मिलता है OFS के अंदर, तो बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा आपको, एक काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर शेयर मिल जाएगा, तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो। अब सबका जो प्राइस है बाइंग करने का वो अलग हो सकता है। मैंने इसके अंदर नॉन रिटेल कैटेगरी के अंदर 502 में अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा यह था कि मुझे 505 से लेके 510 के बीच में अगर इसके नीचे मिलता है तो मैं उसके अंदर अप्लाई जरूर करूंगा, तो इसलिए मैंने 502 में अप्लाई किया है। 502 के ऊपर जाएगा तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं 502 के नीचे 495 के आसपास या 500 के आसपास, उससे नीचे जो है किसी प्राइस के ऊपर अप्लाई करूंगा इस OFS के अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो स्ट्रेटेजी सिंपल सी यही है कि अगर इसका स्टॉक का प्राइस 490 के नीचे जाता है तो आपको उसको मार्केट से बाय कर लेना है, फिर आपको OFS से पार्ट नहीं लेना है, जो एक बहुत कम चांस ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में अगर आपको प्राइस ऊपर रहता है, प्राइस 500 के ऊपर रहता है अगर, तो आपको फिर OFS से पार्ट करना चाहिए, अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि OFS के अंदर जो प्राइस है वो 490 से 500 के बीच में जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है उसके बीच में रहने वाला है, तो आप उस केस के अंदर OFS से पार्ट ले सकते हैं। अब किस प्राइस पे अप्लाई करना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, आपको इंडिकेटिव प्राइस होगा ना, उसकी जानकारी मैं शेयर करता रहूंगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर,
जो मैंने कल फ्राइडे को भी शेयर की थी और आपको मैं मंडे को भी शेयर करता रहूंगा कि इसका इंडिकेटिव प्राइस क्या चल रहा है। बस ध्यान रखना इंडिकेटिव प्राइस जो है ना वो आपको दोपहर के बाद ट्रैक करना चाहिए, सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे मत ट्रैक करने का मतलब नहीं है। दोपहर को 1-2 बजे के बाद में आपको ट्रैक करना चाहिए कि इंडिकेटिव प्राइस क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं 1-2 बजे के बाद में आपको टाइम टू टाइम प्राइस की देता रहूंगा अपडेट कि अब प्राइस ये हो चुका है, सब्सक्राइब इतने गुना हो चुका है, वो आपको वहां अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको स्टोमाकर के अंदर इस ओएफएस में क्या हो रहा है सब कुछ क्लियर हो जाए। इसके अलावा वहां पे आपको और भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां बायबैक के रिगार्डिंग, डेली स्टॉक्स की न्यूज, आईपीओ के रिव्यूज, जीएमपी सब्सक्रिप्शन, ये सब भी वहां क्लियर होता रहता है। तो इसलिए आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सो अगर आपको ये स्टॉक्स का प्राइस मंडे को 500 के ऊपर रहता है तो आप ओएफएस में जरूर पार्ट लेना, 490 से 500 के बीच में ट्राई कर सकते हो। कितने अमाउंट से करना है, कितने शेयर्स के लिए करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास उस स्टॉक में पैनिक आता है तो डाउन जाता है, बट कुछ टाइम के बाद विद इन 1-2 डे में या विद इन 1 वीक के बाद में उस स्टॉक्स में वापस रैली आती है, वापस ऊपर जाता है। तो ये एक पॉइंट नोट कर लेना। इसके साथ साथ एक और चीज है, हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है 20 तारीख को मतलब मंगलवार को इनकी बोर्ड मीटिंग है जिसके अंदर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है। तो 20 तारीख को अगर डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस करती है कंपनी, नॉर्मली कंपनी जो है वो 8 से 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर देती है, तो अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो आपको वो भी मिलेगा अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट का शेयर होगा। तो हम तब तक का वेट नहीं करेंगे, अगर हमें इंस्टेंटली इसी वीक के अंदर प्रॉफिट मिलता हुआ तो हम उसमें निकल जाएंगे आराम से। जिसको होल्ड करना हो तो वो होल्ड भी कर सकता है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है वो 27-28 तारीख रखी गई है, कंपनी वो भी बता देगी आपको, 27-28 के आसपास रिकॉर्डेड है। तो अगर आपको डिविडेंड भी चाहिए हो तो आपको उस दिन तक शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। बस मार्केट में ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर जिन्होंने नॉर्डिन में बाय किया है, जिन्होंने फ्राइडे को बिड लगाई है, उनको शेयर मिल चुके हैं, वो लोग मंडे को सेलिंग भी करने आ सकते हैं। तो इसलिए मंडे को शेयर प्राइस ट्रैक करना, रिक्वेस्ट यही है कि अप्लाई जो है वो स्टार्टिंग में मत करना, कम से कम 12-1 बजे के बाद अप्लाई करना। और साथ ही साथ आपके अपने ब्रोकर के अंदर पहले चेक कर लेना कि वहां पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा और उसकी लास्ट टाइमिंग क्या है, उसके बाद ही फंड ऐड करना, क्योंकि एक बार फंड ऐड कर दिया अपने ब्रोकर में उसका विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले चेक कर लो कि लास्ट टाइमिंग क्या है, उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, अगर वो क्लियर हो जाए उसके बाद आप उसमें फंड ऐड करना। सो आई होप आपको इस ओएफएस के बारे में सारे डाउट सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे कि हमें इसमें क्या करना है, पूरी स्ट्रेटेजी मिल चुकी होगी आपको। अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन करना, मैं आपके डाउट को सभी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हर अपडेट वहां मिलती रहती है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया गया, उसी लिंक से ज्वाइन करना, और व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, मुझे उस नंबर पे हाय या हेलो की भेज देना, आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, कॉर्पोरेट एक्शंस की, बायबैक की, स्प्लिट की, बोनस की, राइट इशू की, ओएफएस की, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अपडेट कर लेना ताकि आपसे ऐसे कोई भी मौके मिस ना हो। हर ऐसे इश्यूज के अंदर, हर ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको उपाय हो जाए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन जो है सभी तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें क्या करना चाहिए, हमें बाय करना है नहीं करना, ओएफएस में अप्लाई करना है नहीं करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।